जो एप्स अभी कल कल बैन किया हुआ है, बहुत सारे उसी टाइप के एप्स इंडिया में बन रहा है अभी। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स बना रहा है वो एप्स, और वो यूज वो बहुत सारे जो ऐप है वो बहुत अच्छे हैं। अगर ये सब लॉ रूल्स और रेगुलेशन जैसे सिलिकॉन वैली में है, उसके जैसे रूल्स और रेगुलेशंस इंडिया में बनाया, तो दुनिया भर से बहुत सारे पैसे आएगा इंडियन कंपनीज के। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विंट। और चाइनीज ऐप्स पर जो बैन लगा है, इसी की बड़ी गहरी चर्चा है कि आगे क्या। इसको समझने के लिए इस स्पेस के जो एक जिनको कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, आयरन पिलर फंड है ये, उनके मैनेजिंग पार्टनर हैं आनंद प्रसन्ना। हम उनसे बात कर रहे हैं समझने के लिए कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। आनंद, आपसे यही समझना है कि ये जो एप्स बैन किए गए हैं, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, और सिर्फ सॉफ्टवेयर को बैन करने से काम चलेगा या बात हार्डवेयर की करनी पड़ेगी। अभी इसका पहला इम्प्लीकेशन ऑब्वियसली हमारे देश के जो नौजवान है, जो नया एप्स बना रहा है इंडिया में, उनके लिए बहुत अच्छा होगा ये चीज, और हमारे देश के रक्षा के लिए ये भी अच्छा होगा। दैट्स गुड। पर बात यहाँ यहाँ पे स्टॉप नहीं होना चाहिए। बात यहाँ से जाके हार्डवेयर में भी हम यही चीज करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ उसमें रिस्क है, अगर हम हमारे हार्डवेयर खुद बना नहीं सकता तो उसमें प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ अगर हम इतने बड़े देश के लिए हार्डवेयर बना रहा है तो पूरा दुनिया के लिए हम बना सकते हैं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो। तो ये जो अब चाइनीज एप्स का मार्केट अगर इंडिया में बंद होगा, तो इमीडिएट तौर पर इंडियन टेक स्टार्टअप्स के लिए या जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और इतने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं भी क्या जो इंडियन है? बिल्कुल, बहुत सारे इस जो एप्स अभी कल कल बैन किया हुआ है, बहुत सारे उसी टाइप के एप्स इंडिया में बन रहा है अभी। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स बना रहा है वो एप्स, और वो यूज वो बहुत सारे जो ऐप है वो बहुत अच्छे हैं, और अभी एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों को जाके पैसा रेस करने के लिए और उसके उसके कंपनी बड़ा करने के लिए। सो बहुत सारे अच्छे ऐप्स हैं और हम देखते हैं बहुत सारे। अब ये बताइए कि इंडिया में जो इस वक्त माहौल है, और अगर इसने बहुत सारे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको काम करने के लिए आसानी कितनी है, रूल्स रेगुलेशन का क्या हाल है, टैक्स लॉज का क्या हाल है, एंजल टैक्स के बाद आपकी फीलिंग क्या थी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है अभी भी। तो मैं कहूंगा कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है लोगों को एप्स बनाने के लिए और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंडिया में। कैपिटल, पैसा भी अवेलेबल है बहुत सारे इन्वेस्टर्स से, दुनिया के बहुत सारे जगह से, एंड इंडिया में भी, बैंगलोर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, बहुत सारे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा रूल्स और रेगुलेशंस यूएस या यूरोप और चाइना जैसे नहीं है। अभी भी बहुत सारे टैक्स इश्यूज है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स है। तो हमारा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से है, जो भी आप प्लीज ये यूएस या अदर मार्केट्स जहां पे बड़े बड़े कंपनियां बनते हैं टेक्नोलॉजी के स्पेस में, उनके रूल्स को देखें और उसके जैसे रूल्स इंडिया में भी करें, सो दैट हम यहाँ पे बहुत सारे बड़े कंपनियां बना सकते हैं। उसमें सबसे कोर, व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल एरियाज दैट गवर्नमेंट मस्ट लुक एट एंड लुक एट विद स्पीड? टैक्स 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 एक सब बहुत बड़ा समस्या है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के पास में। एंजल टैक्स के बारे में आप बताया, बहुत सारे कंफ्यूजन थी, क्लैरिफिकेशन आ गया, अभी भी 100% क्लैरिफिकेशन नहीं है। अभी भी बहुत सारे चीजें टैक्स के, बहुत सारे टाइप के टैक्स है, और जैसे ईसॉप, जैसे हम किसी को सीनियर मैनेजमेंट ले आते हैं, उनको शेयर देते हैं, उस टॉपिक बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस अभी भी होना चाहिए। जैसे दुनिया में बहुत बहुत सारे अलग देश में है, उस टाइप का ईज नहीं है इंडिया में वो करने के लिए। सो टैक्स डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा।
तो ये कहना सही होगा कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर अगर इनिशियल स्टेज में है या मान लीजिए कुछ फेल्योर है, तो वैसे में उसको सपोर्ट करने के बजाय स्टिग्मेटाइज करते हैं और पेनलाइज करते हैं करंट लॉ, और उनको बदलने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। सो दो चीजें हैं, एक तो अगर आप सक्सेसफुल हुआ उसका भी टैक्स पड़ता है और प्रॉब्लम होता है, राइट। दूसरा प्रॉब्लम है कि जनता, जैसे आप आप अगर IIT गया और उसके बाद जाके एप्पल या गूगल को वर्क के साथ वर्क करने के बावजूद, लाइक इंस्टेड ऑफ दैट आप जाके एक स्टार्टअप कर दिया, एक कंपनी बना दिया, और फेल होता है 90% के ऊपर नए कंपनियां फेल होते हैं, उसको वी हैव टू सपोर्ट देम एंड एनकरेज देम, उसके बिना मेनी टाइम्स स्टिग्मेटाइज करते हैं, वो प्रॉब्लम है। क्योंकि जब ऐसे लोग हमारा देश बनाते हैं तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि कैपिटल की कमी नहीं है, टैक्स का आपने बहुत अच्छे से समझाया, ऐसे ही वैल्यूएशन को लेकर के क्या इश्यूज हैं, क्या दिक्कतें हैं? वैल्यूएशंस, लाइक सम एरियाज में वैल्यूएशंस ज्यादा है, स्पेशली कंज्यूमर टेक इन्वेस्टमेंट्स, बट बहुत सारे अच्छे टेक्नोलॉजी लाइक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, ग्लोबल सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा इंडिया से बनते हैं, वहां पे वैल्यूएशंस एक्चुअली दुनिया के कंपैरिजन में यहाँ पे कम है। सो वो एक थोड़ा मिक्स्ड बैग है वैल्यूएशन के बारे में। और अभी कैपिटल रेज करना कितना डिफिकल्ट है और उसको कितना इजी करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा? सो अगर एंटरप्रेन्योर्स को कैपिटल रेज करने में थोड़ी दिक्कत होते हैं, स्पेशली आजकल के टाइम पे कोरोना वायरस सब हो रहा है और फेस टू फेस मीटिंग्स भी नहीं हो सकता, वो प्रॉब्लम है। पर आई थिंक गवर्नमेंट बहुत सारे उसके प्लान्स, हम इतना बड़ा फंड बना रहा है और उसके पैसा दे रहा है, एक्चुअली उसके बावजूद अगर ये सब लॉ रूल्स और रेगुलेशन जैसे सिलिकॉन वैली में है उसके जैसे रूल्स और रेगुलेशन इंडिया में बनाया, तो दुनिया भर से बहुत सारे पैसे आएगा इंडियन कंपनीज के। पर जब हम देख रहे हैं और हम बहुत सारे ऐसे अमेरिकन कंपनी से भी बात करते हैं, जैसे फेसबुक का रिसेंट जियो डील, वो इंडियन कंपनीज के साथ काम करना चाहता है बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज। गूगल भी बहुत सारे इंडियन टेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत सारे इंडियन टेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, और वो लोग वो डेटा या ऑल ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए नहीं दिख रहा है, वो बता रहा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पैसा भी है, हम वो इन्फ्यूज करेंगे आपके कंपनीज में और हम एक साथ बड़े कंपनी बनाएंगे। दैट इज एटीट्यूड, एंड वो एटीट्यूड कंट्रोलिंग नहीं है नॉर्मली। राइट। तो ये तो उनका अच्छा एटीट्यूड है, लेकिन इंडिया में स्केल और साइज के लेवल पे ऐसे कितने बड़े प्लेयर हैं जो आज शुरू करें और फ्यूचर में जाकर के अलीबाबा जैसा स्केल हासिल कर सके? आजकल इंडिया में 38 कंपनीज हमने गिना हुआ है, वो $1 billion के ऊपर वैल्यूएशन का है, और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर पैसा उन्होंने ऑलरेडी रेज किया हुआ है। तो इंडिया में भी बड़े कंपनीज का नंबर उतना कम नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चाइनीज कंपनियां हैं, US कंपनियां हैं, सो हम कैसे ये इंटरनेशनल कंपनीज को इधर उसको बैन करें या उनको इंडियन कंपनीज के साथ वर्क करने के लिए प्रेरित किया, दैट्स द एंटायर प्लान। राइट। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और टू द पॉइंट अच्छी बातें बताई हैं, और हम होप करते हैं कि सरकार इस लाइन पर सोचे कि कैसे इकोसिस्टम तैयार किया जाए, इनेबलिंग एटमॉस्फेयर तैयार किया जाए कि इंडियन कंपनीज यहां से छलांग मार सकें। आनंद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, थैंक यू।